मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह होने जा रहा है, पार्टी जाएगी उसमें, दावत मिला क्या? ये तो सदर साहब बताएंगे। जनाब बैरिस्टर जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब, वाकई उस जैसा आदमी इस मुल्क के अंदर नहीं है। जो मैंने कब कहा मुसलमान चाहिए? मैंने ये कहा इम्तियाज जलील जैसा आदमी चाहिए कि जिसकी जो हिस्सेदारी उसको दी जाए। उसने ये नहीं देखा कि सामने वाले का धर्म क्या है, सामने वाले का मजहब क्या है। हम तो ये कहते हैं हमारी पार्टी के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी तमाम मजाहिब के लोग और तमाम मसलक के लोग हमारी पार्टी के अंदर हैं। तो फिर हम तो सबको, हम इसी बात को तो कह रहे हैं आगे बढ़ाना, हम सबको चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हिंदू हैं, जो हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी लोग, तमाम लोग जो इस मुल्क में रह रहे हैं, सबको अपने हुकूक चाहिए। क्यों नहीं दिया जाता उनके हुकूक? क्यों उनके हुकूक को मारा जा रहा है? मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह होने जा रहा है। यानी इससे यही बात समझ में आती है, आप दलितों से मोहब्बत? देश के वजीर आजम है ना सर, देश के प्रधानमंत्री, तो क्या है? गरिमा की भी कुछ है। और ये जरूरी है इस हिंदुस्तान के अंदर, जो आज तक दलितों को दबाया गया, आदिवासियों को दबाया गया, मुसलमानों को दबाया गया, यानी पसमानदा कौमों को जो दबाया गया, उनमें से एक दलित भी है, उनसे आप इफ्तिताह कराइए पार्लियामेंट का, तो हम समझेंगे कि आप दलितों से मोहब्बत रखते हैं। इस बात से तो यही समझ में आता है, पार्टी जाएगी उसमें, दावत तो मिला क्या? ये तो सदर साहब बताएंगे। इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ये तो सदर साहब का है। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से इस बात को मांग कर कि हमारी एक पार्टी जो हम लोग दलितों से मोहब्बत रखते हैं, हम इसी बात को तो कहते हैं, जो हुकूक है, जिनके हुकूक है, उनको वो हुकूक दे दिए जाए, खत्म बात। हम और कुछ थोड़ी कह रहे हैं, हिस्सेदारी इसलिए तो कह रहे हैं हम कि जिसकी जो हिस्सेदारी उसको दी जाए। नहीं नहीं, मैंने कब कहा मुसलमान चाहिए? मैंने ये कहा इम्तियाज जलील जैसा आदमी चाहिए, इंसान चाहिए, जैसी इम्तियाज जलील के दिल के अंदर इंसानों की हमदर्दी है, उसने इंसान को इंसान समझा, उसने ये नहीं देखा कि सामने वाले का धर्म क्या है, सामने वाले का मजहब क्या है। वो तो जाकर मंदिर के अंदर बैठ गए, अगर वो धर्म देखते मंदिर में क्यों जाकर बैठते? और साहब मैं तो उसके ऊपर आपको एक बात और बता दूं, मैं भी खुद पूना गया हुआ था, वहां के जो दलित लोग थे, दलित युवा मंच के लोग, उन लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को बुलाया, हमारे एमपी साहब को, और उनको बहुत सराहा इस बात के ऊपर। मैं तो तहे दिल से इम्तियाज जलील साहब का और दलितों का वाकई में बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने ऐसे लीडर को चुना है औरंगाबाद में, और वहाँ के मुसलमानों के, वहाँ के सारे वोटर का शुक्रगुजार हूँ, ऐसे नेता को और ऐसे लीडर को चुना है जो इंसान को इंसान समझता है और मजहब से ऊपर उठकर काम करता है। मुझे तो हिंदुस्तान की हर सीट के ऊपर ऐसे ही आदमी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की जोड़ने की बात तो कर रहे हैं, आजम खान को आज तक जोड़ नहीं पाए। मुसलमानों को जोड़ने की बात नहीं, हम तो यूं कहते हैं होने की तो करते हैं। नहीं नहीं, हम ये कहते हैं सिर्फ मुत्तहिद होने की बातें होती है, हम ये कहते हैं हम सिर्फ मुसलमान की ही तो बात नहीं करते, यही तो मीडिया गलत चलाता है, यही तो लोगों के दिलों के अंदर गलत बात बैठा रखी है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा हक है, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, किसी का भी, वो जो उसके हुकूक है वो हुकूक मिलने चाहिए। उसी बात को तो बार बार असुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। दलित के लीडर है ना सर, मायावती है, चंद्रशेखर रावण है, अगर वो लोग दलित के लीडर हैं तो दलितों के लिए काम क्यों नहीं करते? क्या काम करा, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब यूपी के अंदर चुनाव लड़े तो सारे दलितों को मिलाकर आपने गठबंधन बनाया, उसके ऊपर आप चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, वो लोग खुद छोड़कर गए। राजू रियाज साहब दलित हैं, दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी के अंदर हैं, और इसी तरह औरंगाबाद के अंदर बहुत हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में दलित जो एमआईएम से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब लाइए ना आप भी आजम खान को, गले लगाइए, स्वागत कीजिए पार्टी में, अच्छा प्रभार दीजिए उनको भी। इसके ऊपर तो मैं ये कहूंगा कि ये तो इसका जवाब मेरे जो दिल्ली के प्रभारी हैं इम्तियाज जलील साहब दे सकते हैं, या असद ऑफर तो कर सकते हैं सर। नहीं, ये इसके में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कहता हूं हमारी यहाँ तो हर एक के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जो चाहे वो आ जाए और जो ना आना चाहे उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन दरवाजे हमारी यहाँ हर उस आदमी के लिए खुले हुए हैं जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को जिंदा रखना चाहता हो।
जो हिंदुस्तान के आईन की बात करता हो और उसके ऊपर चलने की बात करता हो। हमारी पार्टी में हर उस आदमी के लिए जगह है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, हर अगले पिछड़े जितने लोग हैं सबको गले से लगाना चाहता हो। हमारे यहाँ हर उस आदमी के लिए जगह है पार्टी के अंदर जो ये कहे कि जो गांधी जी को जिन लोगों ने मारा हम उसके खिलाफ हैं, गोडसे के खिलाफ वाले लोग। हमारे यहाँ हर उस आदमी के लिए जगह है दिल के अंदर जो दिल के अंदर लोगों के लिए नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत रखता हो। तो मोहब्बत रखने वाले लोग इस पार्टी में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं, और ऐसे लोग तमाम लोग हैं इस पार्टी के अंदर। और सबसे बड़े हमारे जो सरपरस्त जनाब बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, वाकई उस जैसा आदमी इस मुल्क के अंदर नहीं है। जो उसकी सोच, जो फिक्र और जो उसकी जहानत है वाकई वो भला की है। वह आदमी हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए इस मुल्क के जो उसकी सोच है, मैं तो सोचता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क के अंदर उनकी उन जैसे लोग और उनके शाना बशाना खड़े हो जाएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।